दौरान तेंदुपत्ता संग्रहण कर रहा था, आप देख सकते हैं। उसी वक्त यह युवक घायल हो गया, जिसे जांघ में 3 गोलियां लगी, गोली लग गई। मतलब फोर्स इधर उधर आई तो थोड़ा सा भागने का कोशिश कर रहा था, उसी समय गोली लगी और ये लगने के बाद छुप गया था। बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र अंतर्गत पीड़िया के जंगलों में 10 मई को सुरक्षा बलों ने 12 माओवादियों को मार गिराने का दावा किया था, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल है। उस मुठभेड़ में बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और 5 से ज्यादा भरमार बरामद करने का दावा पुलिस ने किया था। कल पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और लगातार इस मुठभेड़ में बड़ी सफलता होने का दावा कर रही थी। इसी बीच जब हम पीड़िया मुठभेड़ की सच्चाई जानने के लिए पीड़िया गांव पहुंचे तो यहां एक अलग कहानी बाहर निकल कर आई है, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया है जो मुठभेड़ में जो मारे गए हैं 12 के 12 जो कथित तौर पर माओवादी बताए जा रहे हैं, वो सभी गाँव के रहने वाले थे, ग्रामीण थे और घटना के दिन तेंदुपत्ता संग्रहण करने के कार्य में लगे हुए थे। इस दौरान एक भीषण मुठभेड़ हुआ जिस तरह से पुलिस का दावा है, लेकिन ग्रामीणों ने उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। इस वक्त मैं पीड़िया गांव में हूं और पुलिस ने जो कहानी बताई थी उस कहानी के इतर एक बड़ी एक कहानी सामने निकल कर आई है। एक सच्चाई ये भी है कि उस गोलीबारी में, एक तरफा गोलीबारी में जिस तरह से ग्रामीणों का आरोप है, उसमें एक गांव का नाबालिग युवक भी घायल हो गया है। गांव में ही उस दौरान तेंदुपत्ता संग्रहण कर रहा था, आप देख सकते हैं। उसी वक्त यह युवक घायल हो गया, जिसे जांघ में 3 गोलियां लगी हैं। जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि उस दौरान एक गोलीबारी जो पुलिस की तरफ से हुई थी, उसमें यह युवक घायल हो गया और घायल अवस्था में ही बीते 48 घंटे ज़्यादा समय बीत चुका है और गाँव में ही युवक का इलाज चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि तेंदुपत्ता संग्रहण के दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे युवक घायल हो गया, जिसमें 12 ग्रामीणों, जिस तरह से ग्रामीणों का आरोप है कि 12 जो स्थानीय लोग थे उन्हें माओवादियों का नाम देकर उनकी हत्या कर दी गई है। आज पीड़िया गाँव में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये युवक यहीं का रहने वाला है। इनसे भी बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि जानने की सच्चाई एक्चुअल में उस दिन क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? मोटा वाला। अच्छा, गोली कैसे लगी आपको? गोली हिला हिला बोलो आप। कोई था गोली पड़ता हो को मेरा की कसम मत था कोई ना चढ़े पुलिस सिर्फ तोरी कर जानत के पुड़ते ओरे ने समय थे पड़ता गोली दन मेर தான் மெர்ரினால கலடுத்தனே அச்சா 8 बजे பேரினா क्योंकि युवक को हिंदी भाषा नहीं आती, तो इसके ट्रांसलेट के लिए हमारे साथ गांव के ही हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? सोनाराम बरसा है सर जी। क्या हुआ था, क्या बोल रहे हैं सर? ये तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए या आए थे माने, उसके बाद इधर इधर से बाकी फोर्स आया, बाकी उधर से आए इन लोग 2 जन, मतलब वहाँ तेंदुपत्ता तोड़ रहे थे तो इधर वालों को उधर भगा के ले गए, उधर से मतलब प्रिया वालों को उधर से इधर से उधर भगा के ले गया और इतवार से भी बाकी लोगों को इधर से उधर से भगा के लाए और बीच में इधर उधर जमा कर दिए। अचानक में वहाँ मिल गए, वहाँ फायरिंग कर दिए ताबड़तोड़। पूरा गर्मी ने सर ये इनको गोली लगी है क्या सर? इनको गोली लग गई, मतलब फोर्स इधर उधर आई तो थोड़ा सा भागने का कोशिश कर रहा था, उसी समय गोली लगी और ये लगने के बाद छुप गया था मैंने। छुप जाने के बाद फोर्स कोशिश ढूंढने का कोशिश करके देखे, लेकिन नहीं मिल पाया। तो उन लोग जाने के बाद दूसरे दिन कल इसको गांव वाले जाके लेके आए। तो अभी क्या स्थिति है, अभी क्या इलाज क्या करवा रहे हैं, कैसे इनका इलाज हो रहा है?
सर इसका अभी तक इलाज तो नहीं हुआ है। इन लोग घर परिवार वाले बोल रहे हैं कि सीधा इलाज होना चाहिए, पूरा कलेक्टरों से बात होना चाहिए और सब इनको इलाज से ढंग से होना चाहिए। सरकारी मदद चाहिए इसमें। सरकारी मदद चाहिए इनको। क्या उम्र है इनका? इनका कई वही हो सकता है 16-17 तक होगा सर। 16-17 जी। अच्छा, पुलिस का एक दावा ये है कि यहाँ से जिस तरह से कल डेड बॉडी ये दिखा रहे थे कि यहाँ गांव के ही इतवारी और पीड़िया के कुछ नक्सली मारे गए हैं, तो जो मारे गए हैं वो वाकई नक्सली थे? हाँ, वो सब ग्रामीण है सर, सब ग्रामीण है। पता तोड़ने इधर उधर से आ रहे थे और इधर पता बिछा रहे थे और इधर उधर से जमा कर दिया अचानक में, तो इन लोग भी बाकी भगदौड़ हुए और जमा हो गया अचानक में, तो इधर उधर से फोर्स थी, कहाँ क्या कहाँ भग सकती सर ऐसा वो कर इन लोग वहीं, इतना तो जन को लग गया, वही 12 जन वहीं घटना स्थल पर मौत हो गई सर। बाकी कितना तो घायल भी हो गए और जी, और इसमें कितना तो जन को पकड़ के भी ले गए सर। हाँ, उन सबको रिहाई होनी चाहिए और इसमें इनका सब घायल जवानों को, घायल वाले ग्रामीणों को सबको इलाज होनी चाहिए। पुलिस ने दावा किया था कि 10 मई को 12 माओवादियों की मौत मुठभेड़ में मारने में सफलता मिली थी जवानों को, और जिसमें 2 महिलाएं शामिल है। और पुलिस ने यह भी दावा किया था गांव से ही कुछ घायलों को, घायल नक्सलियों को लाया गया है और उनका इलाज जिला अस्पताल बीजापुर में चल रहा है। बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में पिछले 4 दशक से माओवादी और पुलिस के बीच में जारी इस अघोषित लड़ाई में कहीं ना कहीं आदिवासियों का नुकसान होने की खबरें आती रहीं, और ये एक ऐसा उदाहरण है जहां पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में, जिस तरह से पुलिस का दावा है, उसमें ग्रामीण घायल हो गए हैं। और जिस तरह से पहले भी कई खबरें ऐसे आई हैं जिसमें आदिवासियों को नुकसान होता देखा गया है, और आदिवासियों का लगातार इस तरह से इस लड़ाई में पिसते नजर आते हैं। सलीम शेख, बीजापुर।